गोहाना में गांव कथुरा में कानौर ब्रांच नहर में पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर किसानों ने गोहाना से महम रोड को जाम कर दिया। किसानों का कहना है कि पर्याप्त मात्रा में नहर में पानी नहीं आने से उनकी धान समेत अन्य फसलें खराब हो रही हैं। गोहाना गांव में कथुरा में कन्नौर ब्रांच नहर में पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर किसानों ने गोहाना से महम रोड को जाम कर दिया। किसानों का कहना है कि पर्याप्त मात्रा में नहरों में पानी नहीं आने से उनकी धान समेत अन्य फसलें खराब हो रही हैं। जाम की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और नहर विभाग के अधिकारियों ने मौके पर जाम लगा रहे किसानों को समझाने की कोशिश की। इस दौरान खरखोदा हलके से कांग्रेस विधायक जयवीर वाल्मीकि भी किसानों के बीच पहुंचे। जयवीर वाल्मीकि का गांव कथुरा पैतृक गांव भी है और उन्होंने निचले सिंचाई के अधिकारियों से नहर में पानी देने की बात कही। वहीं कथुरा के गांव के किसानों ने बताया कि कई महीनों से गांव के खेतों में गुजर रही नहर में एक दिन पानी सप्लाई की जाती है, जिसके कारण किसान अपने खेतों में फसलों को पानी नहीं दे पा रहे। किसानों ने नहर में पानी समय पर नहीं आने से गुस्से में रोड जाम किया। हमारी एक ही मांग है कि किसानों को सिंचाई के लिए नहरी पानी सप्ताह में सातों दिन चाहिए। ये कथुरा गांव में जो कन और ब्रांच है, नहर जाती है, उस नहर का पानी पूरे हफ्ते नहीं चला जा रहा। जो बृहस्पतिवार शुक्रवार इतवार के जो ओसरे हैं वो सूखे रह जावे हैं, तीन दिन पानी चला दे हैं। जे हिसाब मौके पर पहुंचे हैं, प्रशासन के व्यक्ति मौके पर पहुंचे हैं, वो आश्वासन दे रहे हैं कि सोमवार से 19 तारीख से हम इसको चला देंगे। देखो, बड़ी सोचने की बात तो यह है, जाम वर्तमान में लाग रहा है, अभी फिलहाल लाग रहा है, तो इबी भी वो नू नहीं कह रहे कि भाई इब करवा देंगे तारी समस्या का समाधान। तो हम गलत बात नहीं कह रहे, कोई नाजायज मांग नहीं है तारी, लेकिन वो भी कह रहे हैं सोमवार तक, लेकिन हमने फिर भी हम उस बात पर भी कोऑपरेट करना तैयार हैं। अगर कोई इरीगेशन डिपार्टमेंट का ठोस अधिकारी हमारे बीच में आकर ये कहता है अगर भाई हम सोमवार तक निश्चित तौर पर तारी नहर चालेगी और अगला सोमवार तक चालेगी, पूरा हफ्ता नहर चालेगी, तो हम निश्चित तौर पर हम खोलने तैयार हैं। पानी की जीप की बार तो दिक्कत है, पर सर कभी छोड़ा ही नहीं पानी उन्होंने। किसान खती पानी बगैर मन लग रहा है, अगर टाइम पर बरसात हो जाती तो फिर ये एडवांस हम जो फसल है ना उसको इतनी ज्यादा पानी छोड़ देते, नहर में से ज्यादा छोड़ देते, जिला वाले वो मर जाते। अब ना तो बारिश हो रही ना नहर छोड़ रही, किसान कती मर जा रहा बगैर पानी। गांव कथुरा है जी, यू याड़ा बस दो जगह पानी है, ज्यादा पसीने में यू माथे पानी आ रहा है, और चाहे रोड फूट रहे इनमें गोटिया गोटिया पानी बस याड़ा है। ना तो खेता में पानी, ना ट्यूबवेल पानी ठारी, बस SDM साहब आओ, XM साहब आओ, बस नू नू कहते में पानी आओगा, और वो पानी ना दानदा और ना वो आवे, हमने इतना बेरा है, पीने का पानी भी मारा है, नहीं आ रहा है। वहीं जयवीर वाल्मीकि विधायक ने कहा कि जैसे ही किसानों के रोड जाम की सूचना मिली मैं मौके पर पहुंच गया। ये मेरा गांव भी है, इसलिए मेरा फर्ज भी बनता था कि मैं यहां आऊं, और साथ ही खेतों की सिंचाई के लिए नहरी पानी की सप्लाई भी दी जानी चाहिए। इस बीजेपी को किसान विधानसभा में हराने का काम करेंगे। देखिए, मेरे पास सूचना आई थी क्योंकि मेरा गांव भी है तो लगाव तो होता ही है, तो मेरे पास सूचना आई थी भाई नहरी पानी कई दिन से नहीं आ रहा है, जबकि इनका हक बनता है, तो उसके लिए आज इन लोगों ने मजबूर होकर आज सड़कों पे खड़ा होना पड़ा, और ये बहुत ही बड़ी शर्मनाक बात है। अब किसान रोड पे आता है क्योंकि सरकार की नीयत नहीं है कि भाई किसान को समय पर पानी दे। किसान इतनी उससे तो फसल तैयार करता है, कितनी महंगी, कितने खर्च होते फसलों पे, और समय पर पानी नहीं मिला, एक तो कुदरत की मार, ऊपर से बारिश नहीं हो रही, तो दूसरा सब सरकार पानी नहीं दे रही, तो ये कहीं ना कहीं जाती है किसान के साथ। वहीं नहरी सिंचाई विभाग के अधिकारी ने कहा कि आगे से पानी की सप्लाई नहीं आ रही। एक भिवानी ब्रांच है, सुंदर ब्रांच पानी आता है, और अभी भिवानी ब्रांच में पानी चल रहा है, ये बारिश नहीं होने से पानी नहीं आ पा रहा, तालाब पानी पीने के पॉन्ड भी भर जा रहे हैं। यही कहना है कि हर जगह पर पानी की है ना, इस टाइम पर शॉर्टेज चल रही है, बरसात हुई नहीं है, बरसात ना होने की वजह से शॉर्टेज है। हमारे तीन सिस्टम है, सुंदर उस तरफ हो गया, भिवानी सब ब्रांच और कानौर, कानौर में अभी पानी चल रहा था, इसके सारे वाटर टैंक फुल हो चुके थे, इसके बाद में बोंद डिवीजन के सारे खाली पड़े थे, जो कि भिवानी सब ब्रांच के थ्रू पानी जाता है, तो उस तरफ पानी को डाइवर्ट किया गया था, अभी इनकी ग्रेवेंस थी जो उसको बता दिया गया, परसों फिर से पानी आ गया।
बहरहाल किसानों ने गोहाना महम रोड को जाम कर रोष जताया, नहर में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग भी की। गोहाना से टोटल टीवी के लिए सुनील जिंदल की रिपोर्ट।